दोस्तों इसी वीडियो के माध्यम से ऑप्शन बाइंग को यूज करके हम आज जो इंट्राडे के ऊपर काम किए हैं उसका रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, ट्रेडिंग पे छोटा मोटा मिस्टेक होता रहता है। इमोशनल कंट्रोल करके अगर आप रिस्क को मैनेज करके काम करोगे तो देखो नेट नेट महीना का महीना एक डिसेंट इनकम जनरेट हो पाएगा। तो मेरा जो अदर चैनल है जीतू ऑन लाइव, उसी चैनल पे मैंने ऑप्शन सेलिंग करके आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ और ये चैनल पे स्पेसिफिक ऑप्शन बाइंग का वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों ऑप्शन बाइंग पे जो भी ट्रेड ले रहा हूँ सेम ट्रेड मैंने मेरा ऑप्शन बाइंग ग्रुप के साथ भी शेयर कर रहा हूँ। तो आज मैंने जो ट्रेड लिया था आज का ट्रेड पे मैंने मिस्टेक किया है। जनरली रूल के हिसाब से जैसे मार्केट मोमेंटम आज दिया है, एक चौपी मार्केट था तो मोमेंटम के हिसाब से आज लॉस आया है, लेकिन मेरा मिस्टेक के वजह से जो लॉस है वो लॉस थोड़ा डबल हो गया है। तो मैंने वो मिस्टेक भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि मैंने क्या मिस्टेक किया, इसी के वजह से वो लॉस थोड़ा इंक्रीज हो गया। तो दोस्तों ऑप्शन बाइंग के लिए मैंने जो क्वांटिटी ले रहा हूँ अराउंड 1.5 से 2 लाख के आसपास कैपिटल यूटिलाइज हो रहा है, लेकिन देखिए मैंने अकाउंट पे 10 लाख के आसपास रख के 2 लाख के आसपास उसका कैपिटल को यूज कर रहा हूँ। तो अगर आप ऐसे आपकी 20% 30% कैपिटल यूज करोगे और 100% कैपिटल रखोगे तो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट हो पाएगा आपका ऑप्शन बाइंग करने के लिए। तो चलिए दोस्तों आज का जो भी मैंने ट्रेड लिया है उसका रिजल्ट आप लोग के साथ शेयर कर देता हूँ। देखिए दोस्तों ऑप्शन बाइंग ग्रुप के अंदर 36,39,600 कॉल के ऊपर मैंने बाय करने के लिए शेयर किया है, ठीक है। इस पे प्रॉपर स्टॉप लॉस ला के जा रहे हैं और ये सेम ट्रेड मैंने मेरे ऑप्शन बाइंग ग्रुप के साथ भी शेयर करके जा रहा हूँ। तो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ जा रहे हैं, चलिए देखते हैं कैसे मोमेंटम हमको देखने के लिए मिलता है। मार्केट निफ्टी बैंक के ऊपर धीरे धीरे पॉजिटिव डिरेक्शन पे जाने के सिग्नल दे रहा था, इसीलिए हम कॉल के ऊपर हमारा ये बाइंग का पोजिशन को लिए हैं। देखिए दोस्तों हम अभी 39,600 पुट के ऊपर भी हमारा पोजीशन बनाए हैं, तो दोनों के अंदर प्रॉपर स्टॉप लॉस यूज करके जा रहे हैं। देखिए दोस्तों 39,600 पुट के ऊपर जो स्टॉप लॉस है ये स्टॉप लॉस ऑलरेडी ट्रिगर हो चुका है, तो अभी हमारा पास 39,600 कॉल के ऊपर पोजीशन है। तो देखते हैं कैसे मोमेंटम देखने के लिए मिलता है, प्रॉपरली हम मार्केट को फॉलो करके जाएंगे। देखिए दोस्तों मार्केट धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है, तो हम ये लेवल के आसपास 39,000 पुट के ऊपर अभी हमारा पोजीशन बनाए हैं। देखिए दोस्तों मार्केट ऐसी लेवल से डाउनसाइड डायरेक्शन पे आ रहा है और डाउनसाइड डायरेक्शन पे आने के बाद ये 39,600 कॉल को अभी अभी ट्रिगर कर लिया उसका स्टॉप लॉस को, तो अभी एक ही पोजीशन है 39,600 पुट के ऊपर, देखते हैं कैसे मोमेंटम बनता है। देखिए दोस्तों हमारा 39,000 कॉल के ऊपर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है, तो अभी हमारा एक ही पोजीशन कंटिन्यू अभी चल रहा है 39,600 पुट, इसपे 8,000 के आसपास अभी लॉस चल रहा है। टाइम अराउंड 2:40 के आसपास चल रहा है, तो देखते हैं हम 3:15 तक वेट करेंगे मार्केट का डायरेक्शन किसी डायरेक्शन पे मोमेंटम देता है। ज्यादातर चांस से सिनेरियो यहाँ पे दिख रहा है डाउन साइड डायरेक्शन पे जाना चाहिए, देखते हैं कैसे मोमेंटम मिलता है। देखिए दोस्तों ये ऑप्शन बाइंग का ट्रेड पे मैंने एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया था, मैंने पॉपअप ओपन करके रखा था 315 के आसपास पोजीशन एग्जिट करने के लिए, ये लेवल के आसपास 391 के आसपास वो ऑर्डर ऑटोमेटिक मैंने सिर्फ क्लिक हो गया तो वो ट्रिगर हो गया, तो फिर ये 150 क्वांटिटी मैंने लिया था और मैंने जब फिर दोबारा उसको लेने के लिए गया कि नहीं रूल के हिसाब से जाऊंगा तो दोबारा देखो ये 407 के आसपास 409 के आसपास मेरा ट्रिगर हुआ। यहाँ पे देखो जो डिफरेंस आ रहा है ऑलमोस्ट 20 पॉइंट के आसपास, तो 3000 का फर्क यहाँ पे आ गया और ये 150 का जगह 175 क्वांटिटी मैंने यहाँ पे ले लिया, तो इसको फिर मुझे एग्जिट करना पड़ा 392-393 के आसपास, तो यहाँ पे 4000 रुपीज के आसपास 4-5000 का डिफरेंस आ गया यहाँ पे। तो इस पे नेट नेट अगर देखोगे 9972.50 के आसपास इस पे लॉस आया है, लेकिन ऑप्शन बाइंग ग्रुप पे वो अराउंड 6000 रुपीज के आसपास लॉस आया है, ठीक है। वो मेरा गलती की वजह से 3-4000 का लॉस 5000 के आसपास लॉस मुझे ज्यादा आ गया, तो मैंने इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो देखिए रिफ्रेश करने के बाद भी आपको ये सेम रिजल्ट दिख रहा है,
तो देखिए दोस्तों, जो भी ट्रेड मैंने यहाँ पे ऑप्शन बाइंग ग्रुप पे ले रहा हूँ, सेम ट्रेड मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको ऑप्शन बाइंग ग्रुप पे ज्वाइन करना है, आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो ये जो लॉस हमको आज देखने के लिए मिला है, मार्केट काफी ज्यादा चौपी मोमेंटम दे रहा था, ऊपर नीचे मूव किया, दो तीन बार स्टॉप लॉस ट्रिगर किया। उसी के वजह से देखो, दो तीन बार स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद भी ये 10,000 के आसपास यहाँ पे लॉस आया है। एक्चुअली ये 6,000 का लॉस है, तो मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया, तो इसीलिए ये 10,000 के आसपास लॉस पहुंच गया। तो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करके जा रहे हैं, जब प्रॉफिट आएगा बहुत बड़ा प्रॉफिट जनरेट करेंगे। दोस्तों अगर आप ऑप्शन बाइंग ग्रुप के साथ ज्वाइन करना चाहते हो, मैंने व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी शेयर किया है, व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो।